हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रागनी सिलाई सेंटर में। मैं हूँ रागनी शर्मा और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बांह का डिज़ाइन। बांह का डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है, बहुत सारे डिज़ाइन हैं। आज हम आप लोगों को तितली डिज़ाइन बताने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, हम बकरम ले लिए हैं और बांह कटिंग कर चुके हैं। आप इस डिज़ाइन को छोटा बांह या बड़ा बांह किसी में भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इतना बड़ा हम बकरम लिए हैं, इसे हम लोग नाप लेंगे। देखिए, इधर से हमारा बकरम है 4 इंच, इधर से है 2.5 इंच। यहां से लेंगे 2 इंच, यहां से ले लेंगे 3.5 इंच। फिर इसे हम लोग गोलाई कर देंगे इस तरीके से, इसका गोलाई कर लेंगे और फिर इसे हम लोग कटिंग कर देंगे। और डिज़ाइन बनाना बताया उससे पहले, अगर मेरा वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा आप लोग। देखिए, जैसे हम लोग गोल गला कटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह से गला कटिंग किए। देखिए, गला टाइप का ही है एकदम। यहाँ देखिए, जैसे हम लोग गला कटिंग करते हैं उसी टाइप से गोल शेप में कटिंग किए हैं। अब इसे हम लोग सटा लेंगे, तो हम अभी आप लोग को इस स्तर पे सटाने के लिए बताएंगे। इस तरह से बीचों बीच ऐसे आयरन से इसे हम लोग सटा देंगे, और ध्यान देना है पेस्टिंग पेपर जो शाइनिंग वाला वो कपड़े की तरफ हो और जो रुखड़ा हो वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो चलिए पहले इसे हम लोग सटा देते हैं। यहाँ देखिए, हम दोनों बांह में इसे सटा चुके हैं। सटाने से पहले आप लोग पहले ऐसे बीचों बीच इसे नाप लीजिएगा, इस तरीके से करके ऐसे यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा ताकि डिजाइन जो है वो साइड में ना हो। हम इसे सटा दिए हैं। अब इस पर सबसे पहले हम लोग मशीन चला लेंगे। अगर हम इस साइड इधर किनारे किनारे मशीन चलाते हैं तो हमें हेमिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, यहाँ साइड में पहले हम मशीन चला लेते हैं ताकि कपड़ा के साथ बकरम चिपक जाए। देखिए, इस पर किनारे किनारे सिलाई चला दिए, ये अस्तर के साथ अटैच हो गया। अब इसे हम लोग इस तरीके से रखेंगे, कपड़ा को ऐसे रखेंगे सीधा की ओर और इसके ऊपर अस्तर को रख देंगे। अब हमें सिलाई चलाना है बकरम के जस्ट नीचे नीचे, ना ही बकरम के ऊपर जाना है और ना ही बकरम से आपको नीचे आना है, एकदम बकरम के किनारे किनारे आपको मशीन चलानी है। सिलाई चलाने के बाद अब हम लोग इसे 1/2 इंच की दूरी पे कटिंग कर देंगे। और इसे जगह जगह कट लगा देंगे। उसके बाद हम लोग इसे भी सिलाई कर देंगे साइड वाला। हम लोग इस तरीके से पलट देंगे। देखिए इस तरह से, ऐसे हो गया। अब इस पर हम लोग चाप सिलाई दे देंगे। यहाँ देखिए, चाप सिलाई चलाकर दोनों बांह में हम रेडी हो गए। इस तरीके से हमारा बांह का डिज़ाइन तैयार है। अब इसमें जो हमें यहाँ डिजाइन बनाना है, जैसे कि हम बोले तितली डिजाइन बता रहे हैं, यहाँ देखिए पहले हम कपड़ा ले लिए हैं। आप लोगों को बताते हैं कपड़ा कितने इंच का लिए। एक साइड से 6 इंच है
दूसरी साइड से भी 6 इंच है, यानी चारों तरफ से एक साइज का ही लेना है आपको। फिर इसे ऐसे फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। बाद इसे हम लोग इस तरह से पलट लेंगे। इस सिलाई को बीचों बीच रखना है, यहाँ पर जो सिलाई दिया हुआ है इसको इस तरह से ऐसे बीचों बीच आप लोग को रखना है। यहाँ देखिए सिलाई इसमें भी हम बीचों बीच रखें। अब कैसे इसे सेट करना है बताते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग सिल के रेडी रखे हैं। अब इसे इसके बराबर ऐसे करके यहाँ पर पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद हम लोग इसे सिलाई चलाएंगे इस तरीके से। यहाँ इसे भी रख लेंगे। यहाँ हम लोग देख लेंगे इस तरह से करके कि कितना कपड़ा हमारा इसमें खींच रहा है अंदर की ओर। ऐसे करने के बाद इसे हम लोग यहाँ पिनअप कर देंगे। उसके बाद अब हम इस पर सिलाई चला देंगे। यहाँ देखिए हम लोग सिलाई चला लिए। आप चाहे तो यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं या सिंपल में भी छोड़ सकते हैं या पाइपिंग भी लगा सकते हैं। अब इस तरह से अब यहाँ पे चुन्नट देना है और यहाँ पर शो बटन लगाना है। अभी करके दिखाते हैं आप लोगों को। अब देखिए इसे हम लोग इस तरीके से रेडी करेंगे। अगर हमारा डिजाइन आप लोग को अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से सो बटन आप चाहे तो कपड़ा का भी बना कर लगा सकते हैं।